चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। हम अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को देख रहे थे। हमारा 3 लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का। उसके अलावा अब और भी आगे देखेंगे, एक और लेक्चर आएगा या फिर कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर का इसके अलावा भी एक और लेक्चर डालें। यहाँ पर है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा अभी तक जो क्वेश्चंस आपको बताए गए थे वो थोड़ा बिलो लेवल के, इट मीन्स बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे। अब थोड़ा हायर स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस देखते हैं। उसमें है पहला क्वेश्चन, आप देख लो। इसमें क्या कर रहा है कि दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:2, 2:3 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1:1 पहले बर्तन में, 1:2 है ना, और दूसरे में है 2:3। ओके, 1:1 में मिलाया जा रहा है यानी दोनों का वजन कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, आप देखो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, है ना। लेकिन 1:1 में मिलाना है और ऐसे भी वजन सेम रहेगा तब तो आप मिलाएंगे। तो उसमें क्या हम करेंगे, इसको नीचे वाले 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाले 3 को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि दोनों कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो तब फाइनली जो हमारे पास रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 5:5, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे 10, और नीचे निकल जाएगा 6:9। ओके, अब दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि 1:1 में मिलाया जा रहा है ना। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 11:19। ओके, ये हो गया इसका जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 7:5 है। कितना है, 7:5 और 7:9 है। नए बर्तन में 1:1 में मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बस रेशियो अलग कर दिया गया है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम सबसे पहले इसका वजन बराबर करेंगे। 7:5 है यानी 12 होता है और 7:9 यानी कि 16 होता है। ठीक है, सबसे पहले वजन बराबर करेंगे। वजन बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें वजन बराबर के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि आप ये देखो, 12 और 16 का अगर हम निकालते हैं, ठीक है, 48 मान लो अपने माइंड में कर लेते हैं क्योंकि 48 दोनों से कटता है ना। तो 12 में हम 4 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा और 16 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। एलसीएम निकाल लिया हमने इसका। ओके, तो ये हो गया यानी 4 और 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो इसमें 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 हो जाएगा और इसमें 4×5 20 हो जाएगा, और इसमें अगर हम 3 से करते हैं तो 21 हो जाएगा, और यहाँ अगर 3 से करते हैं तो 9×3 27 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को 1:1 में मिलाने का रहा है, ऐड कर देंगे यानी 49:47 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 लीटर के बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:1, 3:1 और 3:2 है। अगर तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अच्छा, I'm really so sorry, वो मैं हिंदी में बोलते चली गई, मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया क्योंकि आप में से कुछ लोगों का कमेंट आया था कि हिंदी में दिक्कत होती है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में, लेक्चर में भी क्या किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। तो अभी देखो यहाँ कह रहा है कि इन अ 10 लीटर कंटेनर, ओके, देयर आर 3 10 लीटर कंटेनर्स इन विच द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इज इन द रेशियो 2:1, 3:1, 3:2। इफ दे आर पुट इन अ बिग कंटेनर देन द फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। ओके, अब देखो 2:3, ठीक है, सेम चीज़ हम करेंगे। हमने क्या बोला, जब हम मिलाने की बात करते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनका वजन बराबर करेंगे।
इनका तीन है, ये चार है और ये पाँच है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीन चार पाँच का जब एलसीएम निकाल लेंगे तो आ जाएगा 60। 60 करने के लिए इसमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 15 से और इसमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब इधर भी करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, ये देखो 40:20। अब देखिए 45:15 और ये हो जाएगा 36:24। अब तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 121:59 यानी 59। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है, यानी इन अ टू कंटेनर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:5 एंड 5:1। अगर दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिला दिया जाए, यानी इफ़ बोथ कंटेनर्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो 2:5:2, देन नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, देन द फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू कंटेनर। ओके, हम देखेंगे आगे, देखेंगे इसका क्या कह रहा है। एक में 4:5 है, एक में 5:1 है, सेम चीज़ करेंगे, वो प्रोसेस कभी भी चेंज नहीं होगा, वेट बराबर करना ही करना है। एक 9 है, एक 6 है, तो दोनों का एलसीएम 18 हो जाएगा, यानी कि ऊपर में 9 वाले में 2 से और 6 वाले में 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके फाइनल जो हमारे पास रेशियो आ जाएगा, फाइनल एक रेशियो आएगा ना। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 5:2 में, 5:2 में फाइनल मिश्रण को लाना है। तो जब हमने बराबर कर लिया तो इसे 5:2 करने का मतलब क्या है कि ऊपर में 5 से और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फाइनली हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो आ जाएगा 70:56 यानी कि 70:56। समझ गए आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 kg धातु में 1/3 जिंक और बाकी तांबा है। अच्छा, 1/3 जिंक, जिंक अगर है ठीक है ZN, तो तांबा कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, यानी तांबा कॉपर CU, तांबा और जिंक का रेशियो यहाँ पर 1:2 हो जाएगा। ओके, 1:2। अब 3 kg धातु में मिलाया गया, हाँ इसको क्या किया गया, 3 kg धातु में मिलाया गया। ओके, जिसमें 1/4 जिंक और उसमें क्या है, 1/4 जिंक है, 1/4 जिंक है, तो बाकी तांबा यानी कि 3/4 हो जाएगा इसमें कॉपर, है ना, यानी रेशियो उसमें क्या आ गया, 1:3। कोई दिक्कत नहीं ना, यानी ये और ये रेशियो आ गया। ओके, तो सबसे पहले हम फिर से सेम चीज़ करेंगे, इनको ऐड करते हैं तो 3 होता है, इनको ऐड करते हैं तो 4 होता है, क्या करते हैं इसको बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो अब आ जाएगा 12, हाँ ठीक है। अब क्या कह रहा है, फाइनली कह रहा है कि पहले कितना था, 2 kg था, बाद में कितना हो गया, 3 kg हो गया, यानी कि फर्स्ट रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देंगे एक्स्ट्रा बराबर करने के बाद, तो हमारे पास फाइनली जब सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो कितना बच जाएगा। आप लोग देखो क्या किया, 4 से पहले गुना किया और फिर से 2 से, यानी 8 से गुना कर रहा है ना, तो 8:16 और इसमें 3 से और 3 से गुना कर रहे, यानी 9:27। सॉल्व करेंगे, प्लस करना है ना, प्लस करेंगे तो आ जाएगा 43, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है और दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात निकालना है। फ्रेंड्स, इसको आप याद करना, फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसे सॉल्व किया था, इसके अलावा परसेंटेज में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है, ठीक है। तो आप देखो, आप ये बताओ, पूरे अर्थ पर क्या होता है, लैंड एंड सॉयल है। ओके, भूमि यानी कि सॉयल और पानी
यानी कि वाटर, सॉरी यानी लैंड एंड वाटर, ओके। अब कह रहा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध मिलकर के ही तो दोनों बना है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध एक, दक्षिणी गोलार्ध एक, दोनों का एक एक मिला दिया जाएगा तो दो जो होगा वो कितना होगा, वो पृथ्वी होगा, ठीक है। पृथ्वी पर क्या कह रहा है, एक अनुपात दो कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में दो अनुपात तीन कह रहा है वही रेशियो, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले भी बताया ये तीन है, आप ये देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तीन हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे पाँच हो जाएगा। सबसे पहले तो हम इनका इक्वल करते हैं, तो फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, ठीक है। तब जो आएगा फाइव से मल्टीप्लाई करने के बाद, थ्री से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेशियो आएगा क्या आ जाएगा, आप देखो एक बार, पाँच अनुपात दस और छ अनुपात तीन तीन नौ, ओके ये आ जाएगा। अब आप ये सोचो कि पृथ्वी, दक्षिणी गोलार्ध का निकालना है ना, पृथ्वी तो दुगना हो जाएगा ना, तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। दुगना क्यों होगा, क्योंकि वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से बीचों बीच में बटा हुआ है, तो दो से ऊपर और एक से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तब जो रेशियो आएगा यानी दस रेशियो बीस और छः रेशियो नौ, तब इन्हें हम क्या करेंगे, यहाँ देखो तब आ जाएगा क्या, दस रेशियो बीस और छः रेशियो नौ। अब पृथ्वी में से अगर उत्तरी गोलार्ध को घटा देंगे तब तो दक्षिणी गोलार्ध निकलेगा, यानी कि चार रेशियो ग्यारह, ये इसका जवाब हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 5600 रुपये को ए बी सी डी में इस तरह विभाजित किया जाता है कि ए रेशियो बी, यानी कि 5600 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी, ए बी सी एंड डी इन द वे दैट ए इज टू बी इक्वल्स टू वन इज टू टू, बी इज टू सी इक्वल्स टू थ्री इज टू वन, सी इज टू डी इक्वल्स टू टू इज टू थ्री, देन ए प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ओके। सबसे पहले हमने पहले भी बताया कि जब चार दिया है, पाँच दिया है, ऐसे रेशियो दिया है, तो हम उसका, सॉरी, हम उसका जो रेशियो निकालेंगे ए बी सी डी का, वो कैसे निकालेंगे, ये देखो एक और रिकैप मैं करवा ले रही हूँ आप लोगों को बताकर। थ्री वन है, टू थ्री है ना, यही है ना। क्या करेंगे आप देखो, पहले इसे सबसे लेफ्ट वाले को हम मल्टीप्लाई करते हैं, वन इंटू थ्री इंटू टू अनुपात टू थ्री टू, टू इज टू थ्री इज टू टू, लास्ट लास्ट एंड सॉरी लास्ट लास्ट एंड दिस वन, यानी कि इज टू टू इज टू वन इज टू इंटू थ्री इज टू, तीनों का लास्ट टू इंटू थ्री इंटू वन, सॉरी ये टू है, यहाँ टू करेंगे, ओके। फाइनली कट करके, यानी तीन सब में कॉमन है, फाइनली कट करके हम जो हमारे पास जो ये आएगा रेशियो आएगा, सॉरी इसमें थ्री नहीं है यानी कि थ्री कट नहीं होगा, तो फाइनली हमारे पास जो टू टू कॉमन है सब में, तो दो दो कट कर दिया, जो हमारे पास रेशियो आएगा वो आएगा थ्री इज टू सिक्स इज टू, सॉरी सिक्स इज टू टू इज टू थ्री। ए प्लस बी का वैल्यू निकालने का रहा ना, आप सभी को ऐड करो कितना हो जाएगा, चौदह, चौदह यूनिट बराबर 5600, यानी 14 यूनिट्स इक्वल्स टू 5600, तो एक यूनिट 400 हो जाएगा। ए प्लस बी, ए प्लस बी नाइन, नाइन यूनिट इक्वल्स टू नाइन इंटू 400 यानी कि 3600, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे, ए बी सी के खर्च का अनुपात 16 अनुपात 12 अनुपात 9 है, उनकी कुल आय 1530 रुपया है, बी की आय ज्ञात करो अगर वे 20% 25% और 40% की बचत करते हैं। कह रहा है कि द एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 16:12:9 एंड दियर टोटल इनकम इज 1530, बी
फाइंड द इनकम ऑफ बी इफ दे सेव्स मनी 20%, 25% एंड 40% रिस्पेक्टिवली. ओके, देखते हैं हम क्वेश्चन को. ए अनुपात बी अनुपात सी. आप ये बताओ क्या कह रहा है. आई आई निकालने कह रहा है ना. आप यहाँ देखो इस क्वेश्चन को. हाँ, अब आप यहाँ देखिए. आप बताओ अगर बी का आय, ठीक है, क्या है, बचत इतना है, 20% का मतलब 1/5 होता है ना. अगर उसकी सेविंग 5 है, सॉरी सेविंग 20% यानी कि टोटल इनकम अगर 5 है तो सेविंग उसकी 1 होगी. ओके, हम रेशियो लिख रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं. सेविंग की रेशियो हम लिख सकते हैं. सेविंग की रेशियो यहाँ देखो आप, 5 है. अगर उसकी बचत, सॉरी यहाँ से आप देखो खर्च का यहाँ पर रेशियो दिया है ना, यहीं से आप देखो फिर. हाँ, आप लोग देखो, आप यहाँ देखो 20% यानी कि 1/5, 5 टोटल इनकम हो गया. इनकम ये हो गया इसका बचत यानी सेविंग, तो खर्च कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर 4 हो जाएगा. अच्छा, आप देखो ए का एक्सपेंडिचर 4 यूनिट आ रहा है और यही एक्सपेंडिचर यहाँ 16 है, यानी 4 यूनिट बराबर 16, ठीक है. तो टोटल इनकम कितना है, 5 यूनिट है ना, तो 5 यूनिट इक्वल्स टू 20 हो जाएगा, यानी ए का इनकम जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा. कोई डाउट? ओके, अब देखते हैं बी का. बी का क्या है, 1/25% मतलब 1/4, यानी कि 1 जब बचत है तो 3 क्या है, 3 इसका खर्च है, एक्सपेंडिचर है, और 3 बराबर 12 दिया हुआ है. 3 बराबर 12 है ना, 3 बराबर 12 है तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 80% खर्च का प्रतिशत 80% दिया है तो 4/5, ठीक है. इसमें खर्च अगर 4 है, आय 5 है, ठीक है, खर्च 4 है, यानी कि इसका जो बचत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बचत 1 हो जाएगा. 1 बचत और 1 बराबर यहाँ दिया हुआ है 5, तो 5 यानी टोटल बराबर हो जाएगा 25. वैसे ही सेकंड का निकालेंगे तो सेकंड का 85% यानी 17/20, तो सेकंड का निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा इसका इनकम वो 40,000 आ जाएगा. और थर्ड का निकालेंगे, जैसे पहले भी बताया मैंने, थर्ड का निकालेंगे तो उससे आ जाएगा 36. ओके, इन तीनों को ऐड कर देंगे क्योंकि टोटल इनकम ये हो गया ना, यही टोटल इनकम 60 हो गया, यानी 1 यूनिट बराबर 60 हो गया. ओके, अब ए का आय निकालने का रहा है तो ए का 25 है, 25 × 60 यानी कि 1500. ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे. 366 रुपया 8 आदमियों, 10 औरत और 10 बच्चे में इस तरह बांटे कि हर आदमी को औरत से 25% ज़्यादा और हर औरत को बच्चे से 25% ज़्यादा मिले. ओके, हर औरत को बच्चे से 25% ज़्यादा मिले. अच्छा, आप ये बताओ चाइल्ड का अगर हम 100 ले लेते हैं. ओके, एक मिनट, ठीक है, आप इसे ऐसे सॉल्व करो. पहले हम क्या करेंगे, मेन और वुमेन, मेन वुमेन का रेशियो ले लेंगे. 25% ज़्यादा है ना, यानी आदमी का अगर 5 होगा, औरत का 4. अब वुमेन और चाइल्ड का ले लेते हैं, वुमेन और चाइल्ड का, तो वुमेन अगर 5 होगा तो बच्चे का 4 होगा, यही ना. अब नॉर्मल सा जैसे रेशियो हम निकालते थे, 5 × 5 अनुपात 4 × 5 अनुपात
चार गुना चार है ना, यानी कि ये हो जाएगा 25:20:16। ओके अच्छा, आप ये बताओ कि कितने आदमी हैं। आदमी 8 और आदमी का जो है रेशियो वो 25 है, तो 25 × 8 = 200 हो जाएगा। औरत 10 है तो 10 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, और बच्चे 10 हैं और 10 उनका अनुपात भी है तो 100 हो जाएगा। ठीक है, इनका रेशियो निकालेंगे तो 5:5:4 आ जाएगा। ओके, तो एक औरत को कितने पैसे मिले ये ज्ञात करना है। अब आप ये बताओ 5 5 5 यानी यही टोटल है ना पैसे जो मिले, तो 14 14 बराबर है 3366 रुपये, 1 बराबर 169 रुपीस, तो 5 बराबर 854 इतने मिले। तो 10 औरतें हैं, ये तो टोटल औरत को मिला ना, 10 औरत है यानी कि 84.5 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है 500 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यानी कि 500 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट ए के हिस्से का 2/5 भाग, 2/5 पार्ट ऑफ ए इज 16 ग्रेटर देन 3/4 पार्ट ऑफ बी, लेस माइनस 70 इक्वल्स टू 3/5 पार्ट ऑफ सी माइनस 4। ओके, यही क्वेश्चन में कह रहा है। देखेंगे हम a गुना 2/5 प्लस 16 बराबर b गुना 3/4 बराबर c गुना 3/5 माइनस इतना, और इतना बराबर कितना हो गया। ठीक है, इतना इक्वल्स टू हो जाएगा, इतना इक्वल्स टू हम क्या करते हैं, आप देखो कितना कितना पार्ट है ये ना, अगर मान लो इन दोनों का रेशियो हम निकालेंगे डिवाइड में तो 2 3 और 3 आएगा, 2 3 3 का अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो 6, यानी कि हम 6 का मल्टीपल ले लेते हैं। इतना इक्वल्स टू कुछ ऐसा नहीं है, बस हम अपना माइंड यूटिलाइज करके और ऐसे ले लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपने अनुसार से थोड़ा कुछ सोचना पड़ता है, तो इसमें 6 के ले लेते हैं। अभी हम सॉल्व कर दिए, इसे 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 पार्ट निकल गया, ए बी सी के फॉर्म में निकल गया है ना। अब हम क्या करेंगे, देखा क्यों हमने एलसीएम लिया, क्योंकि बाद में तो ये डिवाइड ही होना है आ करके, इसलिए हमने एलसीएम ले लिया। ओके, और ये सॉल्व कैसे किया ये भी देख लो आप, एक में सॉल्व करके दिखाती हूँ आप लोगों को। 1 × 2/5 + 16 = 6 के, ओके, 1 × 2/5 = 6 के माइनस 16 कर सकते हैं, यानी कि ए इक्वल्स टू हो जाएगा 6k - 16 और इंटू 5/2 है ना, वही यहाँ पर किया है, यहाँ इंटू इतना यानी कि 4/3 और यहाँ इंटू कितना हो गया 5/3, यानी नीचे नीचे वाले का एलसीएम हमने पहले ले लिया इसी कारण से। इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आएगा ये। ओके, और ये पूरा का जो एडिशन है वो एडिशन 500 है, तो k का वैल्यू निकल जाएगा तो इस वाली क्वेश्चन से सबका वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन इतना टाइम होता है क्या हमारे पास एग्जामिनेशन में, नहीं होता, तो हम इसे सॉल्व करने का कोई और तरीका देखते हैं। फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करने का तो और भी तरीका है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना भी तरीका आएगा सब में टाइम हमारा लगेगा ही लगेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सीधा ऑप्शन पर जाएंगे, ऑप्शन लेंगे और ऑप्शन पर वैल्यू पोट करके हम देख लेंगे, वो इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, एक लड़का और एक लड़की पेंसिल से खेल रहे थे। अ बॉय एंड अ गर्ल वॉज प्लेइंग विद अ पेंसिल, लड़के ने पेंसिल के 2 भागों में तोड़ दिया। गर्ल हैज ब्रोकन द पेंसिल इंटू 2 पार्ट्स एंड लड़के ने यह देखा कि 2 टुकड़ों का अनुपात
वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है. एंड द बॉय हैज सीन दैट द रेशियो बिटवीन टू ब्रोकन पार्ट्स इज द सेम एज द बिगर पार्ट ऑफ दैट दैट पेंसिल एंड द होल पेंसिल. तो लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा. ओके हाँ जी देखते हैं. आप ये बताओ, मान लो कि ये पेंसिल है, क्या किया यहाँ से तोड़ दिया. अब कह रहा है कि इसका और इसका जो अनुपात है, बड़े और छोटे का जो अनुपात है वो वही है, इन दोनों के बीच का अनुपात वही है जो इस बड़े पार्ट का और टोटल पार्ट का अनुपात था. ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे. ओके अब आप ये देखिए, हमने क्या किया, ये एक पेंसिल लिया, ये कोई एक पेंसिल लिया, इसके पार्ट को तोड़ दिया. इस पार्ट को हमने ए मान लिया, ये एक्स मान लिया, कुछ भी मान लिया. इस पार्ट को कोई न्यूमेरिक वैल्यू मान लिया, ऐसा नहीं कि वही नंबर मान लिया, हमने न्यूमेरिक वैल्यू यूनिट में मान लिया. ओके तो आप ये बताइए कि ये टूटा हुआ पार्ट एक्स मान लिया अगर, तो एक्स अनुपात एक बराबर क्या कह रहा है कि बराबर होगा एक्स प्लस वन टोटल हो गया, तो एक्स प्लस वन और बट्टा छः, यही कह रहा है ना. ऐसे हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल एक इक्वल टू जीरो. ठीक है, ऐसे करके अगर हम वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगा. ये वैल्यू कैसे आएगा वो मैं आप लोगों को बताती हूँ. ये हाँ फ्रेंड्स, अब देखेंगे फिर इस वाले इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे और वो वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, a और b की आय का अनुपात 3:2 है और खर्च का अनुपात 4:3 है. अगर वो क्रमशः 2000 और 9000 बचाते हैं तो 900 बचाते तो उनकी आय ज्ञात करें, यानी कि द रेशियो बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2 एंड द एक्सपेंडिचर इज 4:3. इफ़ दियर सेविंग इज 2900 रिस्पेक्टिवली देन फाइंड इट्स इनकम. ओके अब आप ये देखो रेशियो क्या है, इनकम कितना है, इनकम का रेशियो 3:2 का रेशियो है, खर्च 4:3 का रेशियो है. ओके अब हम क्या करेंगे, अब आप ये बताओ, सबसे पहले तो इनके बीच का इनका जो है हम फ्रेंड्स हम इसे ऐसे बनाते हैं, हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे. आप देखो क्या क्या दिया हुआ है, आय दिया हुआ है, आय को हम क्या करेंगे कि 3x और 2x मान लेंगे. तो 3x और 2x में अगर इनके इनका जो बचत है यानी जो इनकी सेविंग है वो माइनस कर लें तो उनका रेशियो फाइनल फाइनल जो इनका रेशियो में दिया हुआ है इनका खर्च उसके बराबर आ जाएगा, यानी आय माइनस बचत बराबर खर्च ही होता है ना, आ जाएगा. यहाँ से हम एक सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल देंगे 2400 रुपये, तो ए का हो जाएगा 7200 और बी का हो जाएगा 4800 रुपया. ओके अगला क्वेश्चन हम देखेंगे. अच्छा रेशियो प्रोपोर्शन एक तो वो बेसिक तरीका हो गया, अब इस तरीके से भी हम इसे बना सकते हैं. इनके खर्च का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:2 है, और बचत का रेशियो कितना दिया हुआ है, सॉरी इनके आय का रेशियो दिया हुआ है 3:2 और बचत का रेशियो 4:3 दिया हुआ है ना, यही कह रहा है ना. ओके अब आप ये बताओ, ऐसे करो आप इसको इस तरीके से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. 9 यहाँ देखो आप, इसके आय है ना, अब देखो 3:2
और 4 अनुपात 3 है, यही ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते डिफरेंस निकालने के लिए, डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा इनके बीच का एक एक यूनिट आ जाएगा, यानी कि डिफरेंस से तो कोई खास हमें फ़र्क अब लेना देना नहीं है क्योंकि अब बराबर है डिफरेंस। अब देखो ए का जो बचत है, ए के बचत को हमने क्या किया, ए का जो खर्च है उसको बी के बचत से मल्टीप्लाई कर दिया 3600 रुपया, और इसके खर्च को इसके बचत से मल्टीप्लाई कर दिया 6000, और दोनों के बीच का फ़र्क कितना आ रहा है 2400 रुपया। ओके, यानी एक यूनिट यही है ना दोनों के बीच का जो फ़र्क, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी किए थे, तो दोनों के बीच के फ़र्क अगर 2400 है तो ए का आय कितना हो जाएगा, 3 × 2400, 3 यूनिट है आय, और बी का आय हो जाएगा 2 × 4800। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सभी पुरुषों और महिलाओं में बांटी गई सैलरी का अनुपात 6:5 है, यानी कि द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ मेन्स एंड वुमेन्स आर 6:5, जबकि एक पुरुष व एक महिला की सैलरी का अनुपात 2:3 है। बट द रेशियो ऑफ अ सिंगल पर्सन, सिंगल मैन एंड सिंगल वुमेन इज 2:3, पुरुष व महिला की संख्या का अनुपात बताएं, देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। ओके, महिला, ठीक है, सैलरी कितनी है, 6:5 के अनुपात में है, और एक का कितना है, 2:3 के अनुपात में है ना, यही है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, अब आप यहाँ देखो क्या कह रहा है, 6:5 है टोटल और ये एक का है यानी ईच, तो आप ये बताओ टोटल डिवाइडेड बाई ईच तो फिर नंबर निकल जाएगा, है ना, तो नंबर निकालने के लिए 6/2 और 5/3। अब इन दोनों के बीच का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, बताया था 6/2 है और 5/3 है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और 5 × 2, यानी 18:3 से यानी 9:5 जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 430 रुपये को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया कि सभी पुरुष महिला और बच्चे के धन का अनुपात 12:15:16 है। ओके, जबकि प्रत्येक पुरुष महिला और बच्चे के धन का अनुपात 6:5 / 5:4 है। पुरुष महिला बच्चों की संख्या ज्ञात करो व प्रत्येक को कितना धन मिला यह भी ज्ञात करो। ठीक है, ध्यान से सुनिए, 430 रुपीज इज डिवाइडेड इंटू 45 पर्सन्स सच दैट मेन वुमेन एंड चाइल्ड गेट द वेल्थ इन द रेशियो 12:15:16, वेयर एज ईच मेन वुमेन एंड चाइल्ड गेट द वेल्थ इन द रेशियो 6:5:4, देन फाइंड द नंबर ऑफ मेन वुमेन एंड चाइल्ड एंड ऑल्सो फाइंड इट्स वेल्थ। ओके, अब आप ये देखो यहाँ क्या है, कुल टोटल दिया हुआ है ना, टोटल क्या उन्हें मिला, तो टोटल 12:15:16 और प्रत्येक को 6:5 / 5:4। क्या करेंगे हम, डिवाइड जो किया था पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिवाइड कर दिया था सभी को। ओके, अभी एन एन नंबर है तो टोटल निकालने के लिए एन इंटू एक को जितना मिलता है वही कत्थो करते हैं, डिवाइड करेंगे तो 2, 3 और 4 के रेशियो में हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो, यानी कि यहाँ देखो अब क्या है, 2:3/4 हम निकालते हैं तो ये कितना हो गया, ऐड करें तो 9 यूनिट, यानी 1 = 5 यूनिट। ठीक है, 1 = 5 यूनिट ना, टोटल वहाँ पर दिया हुआ था, 5 सब में मल्टीप्लाई करें यानी 10 आदमी हो गया, 15 महिलाएं और 20 बच्चे हो गए, ये निकल गया। ओके, अब ये निकल गया, अब ये देखो सभी आदमी को, अब आप ये देखो ये है 12:15:16
12:15:16 इन्हें ऐड करेंगे तो 43 होगा, 43 बराबर हो गया 430, यानी एक यूनिट बराबर 10 रुपये। तो सभी आदमी को कितना मिलेगा, 10 आदमी हैं तो ये देखो एक आदमी को 12 के अनुपात में मिल रहा है, तो 12 × 10 यानी कि 120 रुपया। ओके कोई दिक्कत। अब वही औरतों की बात की जाए तो सभी औरत को कितना मिलेगा, 15 × 10 यानी 150। तो एक औरत को कितना मिलेगा, तो 15 × 150/10 यानी कि 15 रुपया। सभी बच्चों की बात की जाए तो 16 अनुपात था, तो 16 × 10 यानी 160 रुपया। टोटल बच्चे कितने हैं, 20, यानी 160/20 यानी कि एक बच्चे को 8 रुपये मिलेगा। ओके अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 5625 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी प्लस सी का आधा, ठीक है ध्यान रखना, और बी को ए प्लस सी का 1/4 धन मिले। यानी कह रहा है कि 1525 रुपीज़ इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट ए गेट्स हाफ ऑफ बी प्लस सी एंड बी गेट्स 1/4 ऑफ ए प्लस सी, देन फाइंड ए प्लस बी। ओके अच्छा, एक अगर ए ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर बी प्लस सी बटा 2, या फिर इसे ऐसे कर सकते हैं ए बटा बी प्लस सी बराबर 1/2, और बी प्लस ए बटा सी बराबर 1/4, है ना, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब है कि यहाँ देखो आप 1/2, 1/4 है। ओके जब हम सॉरी यहाँ देखो आप हम क्या करेंगे कि ये दोनों को हम ऐड करेंगे। यहाँ देखो आप ए रेशियो बी दिया हुआ है, बी प्लस सी दिया है, ये रेशियो ही तो है, यानी इनका एडिशन 3, इनका एडिशन 5, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, 5/10, ठीक है। यानी कि जब हम देखेंगे कि ए अगर 5 है तो बी प्लस सी 10 हो जाएगा, और बी 3 है तो सी, बी 3 है तो सी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 5:3:7 हो जाएगा। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी आप ये देखो टोटल दिया हुआ ए बी सी, यानी कि कितना 15 यूनिट बराबर 5625 दिया है, तो ए प्लस बी कितना 8 यूनिट बराबर 3000 हो जाएगा। ओके चलो फ्रेंड्स फिलहाल इतना ही करते हैं, क्योंकि अभी सुबह का 4:30 हो रहा है, बट टाइम मतलब एक्चुअली लेट बहुत हो चुका था। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ, आगे इस क्वेश्चन का अगला पार्ट भी बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए आप इतना ही देखो, और उसके बाद इसका मैंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया है, इसलिए आप उसके लिए परेशान मत होना, हिंदी इंग्लिश के लिए आप ध्यान से सुनोगे तो आपको इसका ट्रांसलेशन मिल जाएगा। चलो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।